मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की क्या हालत है, इसकी एक तस्वीर सतना से सामने आई है। जनपद पंचायत उचहेरा में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती के लिए बेरोजगारों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। डिग्रियां लेकर बेरोजगार सिक्योरिटी गार्ड के लिए बेताब दिखे। बेरोजगारों की लंबी लाइन जनपद पंचायत उचहेरा में बाहर देखी गयी। आने का चार्ज लिया जा रहा है। हम बेरोजगार जितने भी साथी हैं हमारे, इनको सबको सूचना दी गई थी 17 तारीख को उचहेरा जनपद पहुँचना है और सबके लिए रोजगार दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश की बात हुई थी, इन्होंने जहाँ जब सभी छात्र आए, जो भी बेरोजगार लोग हमारे साथ साथी जो भी हैं आए, उनसे वो 250 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराया गया। और उसके बाद भी कह रहे हैं अभी नौकरी भी कोई कंफर्म नहीं है। और गवर्नमेंट की योजना क्या है, 7,000 रुपये आपसे लिया जाएगा। अगर इनके पास 7,000 होता तो क्या, मैं जानना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे आते अगर इनके पास 7,000। शासन जी, हमें तो ये बताया गया कि शासन द्वारा ये रसीद कहीं लिखा, मतलब शासन कहीं बिल्कुल नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, स्किल इंडिया लिखा है। स्किल इंडिया, क्या नाम है आपका? सम्राट सिंह परिहार। कहाँ से है आप? मैं यही उचहेरा जनपद से आता हूँ, ग्राम पंचायत वीरपुर का हूँ। लेकिन यहाँ पर बेरोजगारों में नाराजगी भी देखी गई। रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 250 रुपए सभी बेरोजगारों से वसूले जाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर बेरोजगारों में भी भारी निराशा दिखाई दी। बेरोजगारों ने कंपनियों पर गलत करने का आरोप लगाया है। तो ज्यादा इसमें प्रोसेस बहुत कम है कि आने जाने का खर्चा हमारा ही लग रहा है, उधर से हमको आने जाने का खर्च मिलना चाहिए। और इसमें जो पैसा लग रहा है ट्रेनिंग के दौरान 7,000, ये गलत लग रहा है हमारे ख्याल से। ये जो मतलब गरीब परिवार से आ रहे हैं लोग, नहीं दे पाएंगे, उसमें से आधे बच्चे लौट गए इधर से रोजगार लेने से। इसलिए कह मैं इनसे कहना चाहूँगा कि मतलब ये जो फीस रखी हुई है ट्रेनिंग के दौरान 7,000, इसको माफ़ किया और आने जाने का खर्च मतलब बच्चों को फ्री सुविधा दी कंपनी के द्वारा मिलना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम सुभाष कुमार सेन हूँ। कहाँ से आए हैं? बाबूपुर। ऐसी भर्तियों का आयोजन जनपद पंचायत उचहेरा के कार्यालय में आजीविका मिशन के माध्यम से किया जाता है, लेकिन मामले पर प्रशासन के आला अधिकारी कुछ भी कहने से बचते हैं। वहीं बेरोजगार सारे मामले को लेकर काफी नाराज दिखे और सवाल उठाते नजर आए। कहना चाहता हूँ, मेरे को जो जानकारी दी गई थी ये लिखा हुआ है, हाँ। जनपद पंचायत उचहेरा में 11 से 4 बजे तक 17 तारीख को है ये दिया गया था। पता नहीं अभी लोग क्या कर रहे हैं, 250 की रिसीट कटवा रहे हैं हम लोगों से, 7,000 बोल रहे हैं कि लगेगा ड्रेस के लिए, सुपरवाइजर के लिए 10,500 रुपये लगेगा ड्रेस के लिए। अब ले जा रहे, ले जाएंगे, दूर भी ले जा रहे हैं तो ट्रेन का खर्चा भी अपने से दो। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि रहना खाना फ्री होगा आपका वहाँ। जी सर, ये तो बोल रहे हैं, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा है कि नहीं है। इस पूरे आयोजन को लेकर के क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे सर, कुछ नहीं कहेंगे। खुशी महसूस नहीं हो रही है? सब निराश है सर, निराश है। क्या नाम लिखते हैं आप? रतन सिंह। कहाँ से हैं? भरूच से सर। लिहाजा बेरोजगार सारे काम धंधे छोड़कर भर्ती के लिए आए थे, लेकिन यहां पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और मैनेजमेंट के खिलाफ भी गुस्सा दिखा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रविशंकर उचहेरा।